गडरा रोड जहाँ के लड्डू काफी प्रसिद्ध है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा रोचक है सरहद किनारे बसा ये गांव। स्टेशन के पास में लगे अमर जवान शहीद स्मारक से मुझे इतना तो अंदाजा हो गया था कि इस गांव की कुछ तो अपनी एक बीती कहानी जरूर है। यही पता करने के लिए मैं यहाँ की गलियों में घूमने लगा। मेले टाइप सजा ये गाँव का बाजार मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा था। जिस गाँव के बाजार को मैं कहानियों में सुना करता था वैसा ही कुछ फील हो रहा है यहाँ। इतने में महाराज वाली ये चाय मुझे पुकारने लगी। वाकई चाय एक नंबर है। और चाय के दौरान मेरी मुलाकात होती है इन महाशय से जिनका नाम है सरवण सिंह जी। क्या बात है, चौहटन में भी सरवण मिले थे और यहाँ पर भी सरवण। और सरवण सिंह जी बता रहे हैं कि ये गडरा रोड है और गडरा सिटी है वो है पाकिस्तान में, तथा यहाँ पर रहने वाले लोग शरणार्थी है। 1965 का युद्ध के बाद से यह लोग पूर्ण रूप से पाकिस्तान में स्थित गडरा सिटी को वीरान छोड़कर यहाँ आकर बस गए। इतना जानने के बाद मेरा ना इस गांव से लगाव थोड़ा सा और बढ़ गया। यहाँ के बारे में और जानूं इससे पहले सरवण जी मुझे ले आते हैं इस दुकान पे, जो कि गडरा के लड्डू की सबसे बेस्ट और पुरानी दुकान है। अगर आप बाड़मेर की यात्रा पर हो तो गडरा के लड्डू का आनंद उठाना मत भूलना, ऐसा यहाँ के लोग कहते हैं। गडरा की कहानी अभी बाकी है, जो देखेंगे कल।